आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और ये वीडियो के लिए थैंक्स कहूँगा जेडएक्स मलिक को, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट भेजा सेफली बहुत जल्दी। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं? हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आई रिपेयर P12। ये अमेजिंग का एक प्रोडक्ट है और ये काफ़ी अच्छा है, और ये प्रोडक्ट बेसिकली बेस्ट है आईफोन रिपेयरिंग वालों के लिए, और ये पर ये उन भाइयों को जो भी ख़रीदना चाहिए जो अभी आईफोन रिपेयरिंग में एंटर किया है, जिन्होंने जो डरते हैं, नैंड नहीं निकालना चाहते हैं, जो सेफली काम करना चाहते हैं। बहुत सारे आईफोन में भी जो टेक्नीशियन है वो भी अगर एरर का आता है तो उसको नैंड निकाल के क्यों किया जाए, जब बिना नैंड निकाले इससे हो जाएगा। तो ये है आई रिपेयर का एक अपडेट वर्जन। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आपने देखा होगा कि पहले मैंने एक वीडियो इसका डाला था आई रिपेयर, अब आ चुका है आई रिपेयर अपडेट वर्जन P12 एक अडप्टर के साथ जो सपोर्ट करता है। हालांकि आई रिपेयर जो इसका सपोर्ट करता है वो X तक ही है, बट इसमें एक अडप्टर है जो सपोर्ट करता है 11 प्रो मैक्स तक। जी हाँ, 11 प्रो मैक्स तक यार ये सपोर्ट करेगा। क्या चाहिए आपको? तो BGA 110 का सपोर्ट है इसके अंदर, जो अडप्टर इसमें दिया हुआ है। और तो देखते हैं कि क्या इसके साथ क्या इसमें खूबी है, क्या क्या हम इसको कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा टेक्निकल होने वाला है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत मेहनत के साथ, इसलिए आप भी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस वीडियो को कर दो लाइक, और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते नहीं है फिर अच्छे वीडियो निकल जाते हैं। तो दोस्तों सही टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको इसके बारे में कहीं और देखना पड़ेगा। सो देखिए इसके बारे में, और एक मेरे चैनल पे आने वाली है वॉच की बेसिकली अनबॉक्सिंग तो नहीं, बट ये मैं बता रहा हूँ कि वॉच के अंदर एक वॉच को खोलते कैसे हैं। देखिए इसमें कहीं भी स्क्रू नहीं है, आप अगर इस वॉच को देखेंगे तो आप देखिए कहीं भी स्क्रू नहीं होते, तो कैसे इस वॉच को खोलें, और इसके अंदर कौन सी चिप होती है, और बेसिकली क्या क्या इसमें काम आ सकते हैं, तो सारी एक टेक्निकल एक रिव्यू, और ये रिव्यू के कैसे आज स्पेसिफिकेशन के साथ सारी चीज़ बताऊंगा। चिप को भी रिमूव करेंगे और उसको लगाएंगे भी और देखेंगे भी। और ये वो वॉच है मेरे पास डैड में ही आई है दो रिपेयर होने के लिए, मैं इसका पावर की दबाता हूँ, देखिए आप, तो ये डैड में आई है, इसको प्रोसेस करेंगे इसको बनाने की। तो अगर ये इसका रिपेयरिंग का वीडियो देखना है और आप भी चाहते हैं कि आप भी मोबाइल के साथ वॉच भी बनाना चालू करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो AZ टेलीकॉम। तो शुरू करते हैं P12 मैक्स के साथ ही, देखते हैं इसके साथ क्या क्या आया हुआ है। तो आप बॉक्स में देख सकते हैं ये पुराना वाला था आई रिपेयर, जो नहीं जानते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो आई रिपेयर था बेसिकली ये सिप और सिप कनेक्ट कर सकते थे हम, इसको इस तरीके से कनेक्ट हो जाता था, और ये कंप्यूटर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये पर्पल मोड में ले जाकर इससे हम नैंडी की जो फॉर्मेशन है वो हम वो कर सकते थे, और बेसिकली जो एरर्स आते थे जिसके लिए नैंड को निकालना पड़ता था, हार्ड डिस्क को निकालना पड़ता था, वो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। और ये सपोर्ट करता है आपके X तक, ठीक है। बट अभी क्या हो गया है कि सपोज अब X के बाद की भी बात आ गई है, और लोग जो काम कर रहे हैं तो ये तो खैर ठीक है, अपडेट है। तो अब ये अगर ये परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये मत करो, ये आप ये हालांकि ये आपको सस्ता मिलेगा, या मिलेगा 7-8 हज़ार समथिंग का, बट अभी आप परचेस करो, ये लगभग 20-22 हज़ार के बीच का है, 19-20 या जितने भी लगभग का है। और मुझे ये मिला है जेडएक्स मलिक की तरफ से, तो मैं उनका नंबर तो हमेशा डालता ही हूँ। तो और इस बॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई
इंटरेक्शन, मल्टीपल इनपुट मोड्स, इफिशियंट ट्रांसमिशंस एंड प्रोटेक्ट डाटा, और ये है टैगडेल IP12, ये इसका बार कोड है, ये इसकी वो की ओरिजिनल है, और ये बता रहे हैं कि चाइना के किस फैक्ट्री से ये बनकर आया है। तो चलिए इसको खोलते हैं। पैकिंग ये बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट, अगर हम पैकिंग की बात करेंगे तो। और जो काम की चीज़ है वो रख लेता हूँ अभी फिलहाल सामने, ठीक है। सेम चीज़, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे आईफोन, किसी आईफोन के डिस्प्ले को ओपन कर रहा हूँ ये, या बुक को ओपन कर रहे हैं ना अपन, जैसे बुक को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको मिलने वाला है सेम पर्पल मोड ले जाने के लिए केबल, आपको यही केबल यूज़ करना पड़ेगा, इसमें आप दूसरी केबल नहीं यूज़ करें। और इस बार आपको क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा में तो देखते हैं। ये तो हो गई केबल, ओके, ये आपको मिलने वाला है तो ये आपका एडाप्टर P12। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PCIe NAND हार्ड डिस्क प्रोग्रामर, और बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का एडाप्टर है, ऑलवेज सभी होते हैं। खैर देखो, मैंने ना एक हार्ड डिस्क निकाल के रखी थी इसके लिए, आईफोन एक्स मैक्स के लिए आई थिंक, बट ये आप देखिए 256 GB का हार्ड डिस्क है, रिबोल किया हुआ है। तो खैर मुझे इस वीडियो में निकालना और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम ये यूज़ करेंगे। और इसके साथ में एक आता है इस तरह का पैन ड्राइव। तो जनरली हो सकता है अगर आप ZX मलिक से परचेज नहीं करें, कहीं और से करें, तो ये पैन ड्राइव वो रख लें, क्योंकि इस पेन ड्राइव के अंदर होता है सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करने का। और तो हालांकि सॉफ्टवेयर गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मिल जाता है इसमें आपको इस तरह का पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और देखिए उस पर ब्रांडिंग है मीजिंग की, ठीक है। तो इसको निकाल लेता हूँ, फिलहाल मैं इसको यूज़ करूँगा, फिलहाल मुझे इन दोनों चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पेन ड्राइव के बिना सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सीखेंगे। और निकाल लेता हूँ ये हार्ड ड्राइव। दोस्तों ये काम बहुत इजी है, हार्ड ड्राइव निकालना लगाना, अगर आपको नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं इसे टेलीकॉम में आकर। देखिए यहाँ पर इस तरीके से A1 लिखा हुआ है, मतलब ये नोज कट पॉइंट है, तो हमको हार्ड ड्राइव इस तरह से लगानी है और ये लॉक कर देनी है, ठीक है। तो ये जो अडेप्टर है, अब ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करेगा, तो चलिए डिटेलिंग करते हैं थोड़ी सी और इसके प्रोग्रामर को समझते हैं। दोस्तों हमें करना क्या है, तो दोस्तों हमें करना क्या है, हम नॉर्मल सबसे पहले अगर आप ये परचेस करते हैं तो इस अडेप्टर को निकाल लीजिएगा। अगर आप प्रोग्रामर निकाल के काम करते हैं तो जैसे कि मैंने NAND यहाँ पे लगाया है, वैसे ही NAND यहाँ पे लगा देना है। बट अगर आप पर्पल मोड में काम करते हैं तो यहाँ से आपको जोड़नी पड़ेगी जो केबल इसके साथ आई थी आईफोन की, तो उससे आप पर्पल मोड पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो मैं इसको यहाँ पर सी टाइप का केबल आप देखेंगे, यहाँ पर टाइप सी का केबल है, तो ये टाइप सी के केबल के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे, ये लगा देना है, ये देखे, ये आपको इस तरह की लाइट देखने को मिलेगी यहाँ पर, बस आप ये रख देना है। अब आप कंप्यूटर के पास देखिए तो आई रिपेयर, हम आगे जैसे बॉक्स हमने लिख दिया, तो आई रिपेयर बॉक्स पहले आपने लिख देना है, और आई रिपेयर बॉक्स लिखने के बाद तो आपने आई रिपेयर बॉक्स लिख देना है और वेबसाइट पे चले जाना है। तो इसकी वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ से चाइनीज़ से, तो पहले इसको चाइनीज़ से ना आप इंग्लिश कर लीजिएगा, तो यहाँ से और यहाँ पे डाउनलोड सेंटर पे आप जाना, तो आप यहाँ पे डाउनलोड सेंटर पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे आई रिपेयर P12 का सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, जो कि आप इसको कंप्रेस A को क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब जैसे ये डाउनलोडिंग चालू हो गई है,
तो मेरे में ऑलरेडी हो चुकी है, ये अपडेट के नाम से होगा, तो मेरे में हो गई है। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये आई रिपेयर इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आई रिपेयर P12 का आइकन देखने को मिलेगा। अब आप इसको डबल टिक कीजिएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर कनेक्ट है आपसे, तो ये इस तरह का ओपन होगा। तो सबसे पहले जब ये ओपन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे नीचे देखना है क्या क्या चेकलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक अपडेट लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ और देख लेता हूँ कोई अपडेट है कि नहीं है। कोई अपडेट नहीं है, नहीं तो ये अपडेट ले लेता। यहाँ पर ड्राइवर के लिए भी आता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे में इसमें ड्राइवर इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पर एक आइकन आता इंस्टॉल ड्राइवर का और उसको क्लिक करते तो ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको है ना एक पर्पल मोड आपको देखने को मिल रहा है, एक नैंड मोड और एक फोन इन्फो। सो हम जब भी अगर मान लीजिए पर्पल मोड का यूज़ करते हैं, जैसे देखे तो हम पर्पल मोड का यूज़ करते हैं अगर, तो हमें यहाँ पर ये केबल लगानी पड़ती है, ये केबल जो इसके साथ आती है इस तरीके से, ये देखिए ये केबल हम यहाँ से लगाएंगे इधर से, ये, और ये केबल को हम फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको पर्पल मोड में हम पहले DFE मोड में कनेक्ट करेंगे, और ये DFE मोड में कनेक्ट करने के बाद इस पर्पल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिससे आप यहाँ पर जो आपकी ये जो फाइल होती है यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती हैं इसकी, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल इसकी आपकी सेव हो जाएंगी। सो बेसिकली आपने बैकअप ले लेना है। आप यहाँ से वाईफाई अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लियर डाटा या आप राइट जो फाइल को बैकअप लिया उसको वापस आप इसको राइट कर सकते हैं, रीस्टोर जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारे जो एरर्स होते हैं वो चले जाते हैं। अगर आप नैंड प्रोग्रामिंग पर जाते हैं तो देखिए नैंड प्रोग्रामिंग पे अब क्योंकि मेरे में ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोशिबा की हार्ड डिस्क लगी है 256 GB की, तो ये यहाँ पर हार्ड डिस्क दिखा देता है। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये मैंने हार्ड डिस्क निकाल दी। तो आप देखिए अब ये बता रहा है VGA 110 है, तो VGA 110 अब वो ये चाह रहा है कि आप पुट करें इसमें, लगाइए इसमें। अब मैं वापस इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा देता हूँ, और जैसी लगाई देखिए ऑटो डिटेक्ट ये करता है, आपको कुछ भी यहाँ पे डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टोशिबा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ID क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर ID क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि इसके जो भी सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से इंस्टॉल हुए हैं और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ तो जैसे ही मैं यहाँ से बैकअप उठाता हूँ, ये देखिए तो देखिए मैंने यहाँ से बैकअप लिया, तो यहाँ से देखिए ये जो रीड हो रहा है ये इसका बैकअप है। ये मेरे से पूछ रहा है कि मुझे कहाँ डालना है, तो मैं इस फाइल को रीराइट कर देता हूँ और देखिए ये बैकअप हमारा सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया है। अब यहाँ पर आप देखने वाली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आप देख रहे होगा यूज़र बैकअप, तो इस हार्ड डिस्क से रिलेटेड मेरे पास कितने यूज़र्स बैकअप है, तो ये यहाँ पर एक लिस्ट दिखा देता है। और जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए तो एक्चुअल जो हार्ड डिस्क का आपको जो मिलेगा डाटा वो आपको बैकअप लेने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क एक हमारी ABCD जैसे आपने सील नंबर पे देख रहे हो क्या, क्योंकि हार्ड डिस्क एक डोनर बॉडी की हार्ड डिस्क थी और हमने इसको निकाल के बेसिकली यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये बैकअप हम ले चुके हैं। तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जैसे हार्ड डिस्क डाली, देखिए मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ऐसा ही कुछ मैं अपनी क्लास में भी करता हूँ क्योंकि रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपने हार्ड डिस्क डाली, यहाँ आपने बैकअप ले लिया तो आपका फाइल आ गया, बैकअप से आपको सही डाटा मिल जाएगा। अब आपने ऑब्वियस है कि सपोज़ इसको आप नैंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, रीज़न एरर 40-14 सपोज़ या एरर 40-13 का किसी फ़ोन में या जो भी एरर आपको मिल रहे हो, तो आप यहाँ पे अगर चारों को टिक कर देते हो तो फ़ायदा ये हो जाता है क्योंकि बैकअप तो ले चुके हैं, तो सबसे पहले ये नैंड को फॉर्मेट करेगा, फैट राइट करेगा, वाईफाई को भी अगर मान लो अगर उसमें वाईफाई केस नहीं है तो उसको स्किप कर देगा, बट वाईफाई को भी अनलॉक कर देगा और वापस आपकी फ़ाइल को राइट कर देगा। और तो आप वाईफाई जैसे वाईफाई अनलॉक में आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वाईफाई अनलॉक में क्लिक जैसे करते हैं तो ये इस तरह का आपको बार चलता हुआ नज़र आएगा।
जो कि बहुत सारे जो अभी BGA 110 के जो हैं, जैसे JC Pro या WL की बात करो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। यहाँ ये चीज़ बहुत कम टाइम में, मतलब इन वेरी शॉर्ट टाइम में, ये देखिए सक्सेसफुल कर दिया है 256, और यहाँ पे बता दिया है स्टार्ट टू रीड। देखो इन्होंने रीड बैट फाइल ऑटोमेटिकली, एक फाइल और इन्होंने सेव कर ली है उसको। और दोस्तों आप लोगों की एक क्वेरीज होगी, आप लोग पूछ रहे होंगे, देखिए 32 सेकंड में कर दिया इन्होंने। आप लोग पूछ रहे होंगे कि क्या बेसिकली हम जब भी अगर वाईफाई अनलॉक करते हैं तो क्या हमारा डाटा चला जाता है? नहीं, आपका वाईफाई अनलॉक करते समय डाटा नहीं जाता है। सो बेसिक, क्योंकि हम उसमें फॉर्मेटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको अनलॉक कर रहे हैं। तो जैसे आप जैसे फ़ोन को करते हैं ना, तो उसमें डाटा नहीं आता है। सो ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, उसमें आपका डाटा नहीं जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम यहाँ से फ़ोन को, अगर सपोज़ हमारे पास कोई फ़ोन भी कनेक्टेड है, तो हम उससे इसको रीड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी है P12 में, इसलिए मैंने P12 परचेस किया। कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फ़ोन आता है और मुझे नैन नहीं निकालनी है, तो मैं यहाँ से पर्पल मोड का भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे नैन अपग्रेड करनी है, तो मैं नैन हार्ड डिस्क, इसमें BGA तो लगा ही हुआ ऑब्वियस है, तो मैं ये इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये BGA 110 के लिए ओनली, आप इसमें 6 की नहीं लगा सकते, 7 प्लस की नहीं लगा सकते हैं। ये आपका 8 के ऊपर सपोर्टेबल है, और ये है 11 प्रो मैक्स तक। तो अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करूं और यहाँ पर डिटेलिंग बताऊं आपको, तो आई रिपेयर P12 आप सर्च करेंगे, देखिए जिसको PCIe मतलब 6 प्लस के ऊपर जो एसिस प्लस के ऊपर जो नैंड होती है, उसको PCIe कहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो ये DFU मोड सपोर्ट करता है, यहाँ से 6 से लेकर बेसिकली 6S तक, और 6 से लेकर X तक सारे मॉडल्स, और DFU मोड मतलब जो पर्पल मोड होता है, और iPad Pro तक ये सपोर्ट करता है। और अगर मैं NAND प्रोग्रामिंग, क्योंकि VGA 110 लगा है, तो VGA 110 जो उसका सपोर्टेबल है वो है 8 से लेकर आपका 11 Pro Max, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें कुछ iPad Air 3 और iPad Pro भी शामिल हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको परचेस कर सकते हैं ZX Malik से, इनके नंबर पे, और ये प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। तो कैसा लगा ये प्रोडक्ट P12 आई रिपेयर? मीजिंग का एक सॉफ्टवेयर, काफ़ी अच्छा और काफ़ी हैंडी, काफ़ी ईजी। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसको परचेस कर लो, और ये बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में डिटेलिंग मैंने दे दी है। यहाँ से आप इसको पर्पल मोड में कनेक्ट कर लो, और यहाँ लगा के आप बाकायदा सॉफ्टवेयर से BGA 110 का यूज़ कर लो, और अगर अपग्रेड करना है अपग्रेड कर लो। एक तरह से उसकी जो फाइल है बूटिंग फाइल, उसकी सेव करके आप फिर जो भी नॉलेज है आपको, आप उसके हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में ऑलरेडी, इसके बारे में आप देखिए, मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो डाल दिया है आई रिपेयर, और अब मेरा वीडियो है आपका P12। कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, रिवाइंड करके देख लो, रिवीजन कर लो। ये वीडियो में आपको NAND प्रोग्रामिंग बहुत इजी लगी होगी, स्टेप टू स्टेप फॉलो कर लेना, पहला बैकअप ले लेना, फिर फॉर्मेट कर लेना, और फिर वापस बैकअप को रिस्टोर कर लेना। अगर सक्सेस के ऊपर है तो वाईफाई अनलॉक करना मत भूलना, तो वाईफाई अनलॉक भी कर लो, बैकअप भी ले लो। बट हालांकि वाईफाई अनलॉक तब करना होता है जब अगर आप वाईफाई को चेंज करो। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और ये वीडियो के लिए थैंक्स कहूँगा ZX Malik को, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट भेजा सेफली बहुत जल्दी, और मेरे पास में ये प्रोडक्ट आया ZX Malik की तरफ से, और जो कि उनका नंबर ये है। आप भी इनको परचेस करना चाहते हो, तो अगर आप ये खाली चाहते हो, आप नहीं चाहते कि NAND निकालें, तो आई रिपेयर परचेस कर लो। और अगर आप चाहते हो कि आप NAND का भी काम कर रहे हो, तो आप आई रिपेयर P12 परचेस कर लो। तो ये दोनों ही चीज़ का काम कर देता है, तो बेस्ट है। होपली ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थैंक यू वेरी मच। साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया? बिल्कुल सर। CPU भी किया, लास्ट डे क्या करके गए?
लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गया। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो कैसे डबल करके लगाना है? क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट। सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर? या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dustin.